نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آج ہم سب ایک مسجد کی تکمیل, ایک مسجد کے مکمل ہونے پر یہاں سب جمع ہوئے ہیں. جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو کام جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. اور حقیقت میں اس مسجد کے وجود میں, اسٹرکچر اور ڈھانچے کے وجود میں لانے کے لیے وہ اصل وہ قربانیاں ہیں. گھڑی چل رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے سوئیاں اس کی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کا انجن جو اصل سوئیوں کو گھما رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اصل کردار اسی کا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو مسجد کے ڈھانچے سے پہلے, یہ تعمیر, یہ اس عمارت کے مکمل ہونے سے پہلے جو قربانیاں لگی اس کی وجہ سے یہ مسجد وجود میں آئی. لیکن اب مسجد کے وجود میں آنے کے بعد جتنی قربانیاں لگ چکی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ قربانیوں کی یہ مسجد مطالبہ کر رہی ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے مسجد بنا لی ہمارا کام پورا ہو گیا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب کام کا آغاز ہی اب ہوا ہے. اب کام کا آغاز ہی اب ہوا ہے. اب اصل ہماری ذمہ داری کو ہم اس مسجد کے آباد کرنے کے لیے کیا فکریں کرتے ہیں. ورنہ قرآن مجید میں بڑی سخت آیت ہے, چھوٹی آیت ہے لیکن بڑی سخت وعیدی آیت ہے. قرآن مجید فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں تو پرشکوں ہوں گی, عالیشان ہوں گی, عامر آباد ہوں گی, وہی خراب, لیکن اندر سے اس کے جان نکل چکی ہوگی. مسجدیں عالیشان ہوں گی
लेकिन अंदर से वो खोखली हो चुकी होंगी। जिसको किसी ने कहा है, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज ये मस्जिद कई कुर्बानियों, कितने लोगों की कुर्बानियाँ लगी, कितनों ने अपना वक्त दिया, कितनों ने अपना पैसा खर्च किया, हमारे सामने वो नक्शा भी नहीं। जिन्होंने दिया वो लेकर भूल गए, जिन्होंने अपना वक्त खर्च किया वक्त खर्च कर भूल गए। अल्लाह ताला उन सब को जजाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उन सब के लिए आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमाए। और हदीस पाक में तो आता है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। एक रिवायत में आता है, मन बना लिल्लाहि कम फसेकतौत, फरमाया जिसने लाहौरी के घोंसले के बराबर अगर मस्जिद बनाई, यानी उसका हिस्सा थोड़ा सा भी अगर मस्जिद में लगा है, तो अल्लाह ताला अपने शान निशान उसको बदल अता फरमाएंगे। तो जो कुर्बानियाँ देने वालों ने माली एतबार से, जानी एतबार से, वक्ती एतबार से जो कुर्बानी दे चुके, हम सब उनके जो हैं तो वो सब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, उनका हम जो हैं तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपना वक्त खपाया, कुर्बानियाँ दी। अहले मोहल्ला भी कुर्बान भी जो हैं मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने कुर्बानी देकर इस मस्जिद को, आपकी तलब पर अल्लाह ने ये फ़ैसला फरमाया, मोहल्ले की तलब और चंद नौजवानों की तलब और उसके साथ आपका शामिल हो जाना, उस तलब पर अल्लाह ताला ने इस मोहल्ले में मस्जिद को आबाद कर दिया, ज़ाहरी शक्ल को। अब उसकी बातिनी शक्ल को आबाद करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी मुकम्मल ज़िम्मेदारी है कि हम मस्जिदों को आबाद करने वाले बने। और देखो अभी भी हम सुबह भी मस्जिद में गए थे, एक बात जहन में आई थी कि जहाँ जहाँ भी लोगों ने मस्जिदें आबाद की, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम आफात व मसाइब से हिफाजत की। आप सर्वे कर लो जहाँ जहाँ भी लोगों ने मस्जिदों की हिफाजत की थी, अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की हिफाजत की। हमारा पूरा इलाका आप देखो, अल्लाह ताला ने आज तक हिफाजत की, आइंदा भी अल्लाह हिफाजत करेगा। लेकिन मस्जिदें आबाद की, मस्जिद की जो है ज़ाहरी शक्ल को भी आबाद किया, उसके अंदर उसकी फ़िक्रों को भी आबाद किया, उसमें नमाजों को भी पढ़ा गया, तिलावत के जमजमों से उस मस्जिद को आबाद किया गया, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। और जिन्होंने मस्जिदों से बेरुखी बरती थी, बल्कि ये बात अगर कहूँ तो मैं कोई कोता नहीं होऊंगा, वो लोग जो मुसलमान मोहल्लों में रहने से जो है अपने आप को बचाना चाहते थे और जिनका दिमाग ख़राब हो चुके थे और जो बुलंद सोसाइटियों के ख्वाब देख रहे थे, हालात ने उनको ऐसा मजबूर किया अपने मोहल्ले और समाज में आकर रहने लगे। मुश्किल से निकाले गए वो अपने अपने मोहल्लों से, जिनके दिमाग में खन्नास छा चुका था, और अल्लाह ताला ने उनको चूँकि ईमान वाले थे, अल्लाह ताला को उनके साथ रहम करना था, नतीजा ये है कि मुसलमानों की बस्ती में उनको भेज दिया गया। आज भी जो बिखरे हुए लोग जहाँ जहाँ थे, आज भी उनके हालात आप देखिए कहाँ फटे थे, उनके हालात देखें तो आपको तरस आएगा कि अभी तक उनके हालात जो हैं जैसे चाहिए इस्लाह नहीं हो चुकी। नतीजा ये है कि अल्लाह ताला का जो है ये ताज़ियाना चलता है। इसलिए मेरी आपसे तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिद तो हमने बना ली है, अल्लाह ताला जो है हमें अब मस्जिद के आबाद करने वालों में शामिल फरमाए। और जो मैंने आयत तिलावत की कुरान की आपके सामने, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं, कुरान कह रहा है अल्लाह के मस्जिदों को वो आबाद करते हैं, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान रखने वाला ही मस्जिद को आबाद करेगा, इसलिए कि कुरान ने दूसरी आयत में कहा, मा कान लिल मुशरिकीन यामुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, ये काफिर या खुदा तारा के नाफरमान कभी भी मस्जिद को आबाद करने वाले नहीं हो सकते, इसलिए कि अपने ख़िलाफ़ वो कुफ्र की मोहर सख्त करना चाहते। मा कान लिल मुशरिकीन यामुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, और यहाँ कहा इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को वो आबाद करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान रखना, क़यामत पर ईमान। और फिर फरमाया वा अकाम सलाह, नमाजों को कायम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं। मस्जिदें कायम से आबाद होंगी, नमाजों से आबाद होगी।
मस्जिदें नमाजों से अकीमुस्सला, बार बार ये कहा गया नमाजों को कायम करो। अभी हालात ऐसे हुए कि जो है कोरोना की वजह से लोगों ने मस्जिदों को तर्क कर दिया, उससे जो है तगाफुल बरतने लगे, उससे जो है बेतनाई बरतने लगे और उसको फिर अपना मामूल बना लिया। तो अब मस्जिदें आबाद हो गई हैं, वो सारे मसाइब के बादल जो हैं छट चुके हैं। अब हम फिर से जो हैं ये मुतवज्जे हों कि मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं, जमातों के साथ नमाज का अहतमाम। जब जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद आबाद होगी, और मस्जिद आबाद होगी तो मस्जिद में ज़ाहिर दीनी फ़िक्र होगी, दावत का काम होगा, जमातें आएँगी, मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा आएँगे, आपको बात कहेंगे, तो इस मस्जिद की फ़िक्र को लेकर आप अपने घरों तक मुंतकिल करेंगे। ये मस्जिद तो एक पावर हाउस है जहाँ से पावर सप्लाई होता है, और जिसका कनेक्शन मस्जिद के साथ रहा वो अपने घर तक सप्लाई लाइन ले सकेगा, और जिसने अपने कनेक्शन को मस्जिद से काट दिया, जिसका ताल्लुक मस्जिद से टूट गया, जिसका कनेक्शन कट गया, तो वो अपने घर में अंधेरा महसूस करेगा। और हदीस पाक में आता है मन का ना यातादुल मसाजिद फशहदू लहू बिल ईमान, जिसको मस्जिद में आता जाता देखो, जिसको देखो कि वो मस्जिद में आने जाने का आदी है, फशहदू लहू बिल ईमान, उसके बारे में ईमान की गवाही दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले के बारे में तुम गवाही दो कि ये ईमान वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मस्जिद से ताल्लुक़ नहीं रखता है उसके बारे में ईमान की खैर मनानी चाहिए, उसका ईमान ख़तरे पर है। इस वक्त जो है ईमान के डाका डालने वाले उनका ईमान उचक लेंगे जिसका मस्जिद से ताल्लुक नहीं होगा। आज देख रहे हो सारे के सारे हालात आप देख रहे हो, और सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ से यलगार है। ऐसे वक्त में अगर हम अपने मस्जिद अपने ताल्लुक को मस्जिद से वाबस्ता न करेंगे तो चारों तरफ से यलगार है बातिल की, कोई किसी रास्ते से, कोई किस रास्ते से, कोई किस रास्ते से आ रहा है और यलगार कर रहा है। ऐसे वक्त में अगर हमारे लिए कोई हिफाजत की जगह है तो मस्जिद है। मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह ताला के सामने सर बस सुजो। इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़फ़ज़िया इला सलात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई संगीन मामला पेश आता था तो आप नमाज की तरफ लपकते थे। आप जब भी देखोगे, जब कभी भी हालात आए तो आप मस्जिद नबी में जाकर अल्लाह के सामने हाजिर होते थे और गिरिया वजारी के साथ जो है रुजू होते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी ये मस्जिद को आबाद कर दिया, अब हम उस मस्जिद के आबाद करने वालों में शामिल हो जाएं, वरना ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आए कि मस्जिदें तो आलीशान हैं लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी। पहले चंद बूढ़े होते थे लेकिन वो मस्जिद के खूंटे होते थे, समझे, 24 घंटे जो हैं उन्होंने अपना मस्जिद में ओढ़ना बिछोना बना लिया था और हर वक्त कुरान की तिलावत में लगे रहते थे। अब हम भी इस मस्जिद के कुछ खूंटे बन जाएँ, मस्जिद के कुछ खूंटे बन जाएं, हर वक्त जो हैं हमारे यहाँ जमात का काम हो रहा है, मस्जिद वाली जमातें बैठती हैं और उसके में फ़िक्र की जाती है कौन कितना वक्त देगा, ढाई घंटे जितने वक्त मस्जिद की एक तरतीब बनाई जाए, हर वक्त मस्जिद कुरान की तरतीब से आबाद रहे, ज़िक्र के हलकों से आबाद रहे, दीन की फ़िक्रों से आबाद रहे, नमाजों से आबाद रहे, हर तक जो है दीन की फ़िक्र हो। हमारे मोहल्ले में कितने नमाजी हैं, जो नमाजी नहीं हैं उनको मस्जिद में लाने की फ़िक्र की जाए, इसकी पूरी तवज्जो के साथ कोशिश की जाएगी तो इंशाल्लाह हमारा ये मस्जिद का पैगाम आम होगा और मस्जिद से जो पावर हाउस जिसको कहा जाता है हमारी लाइन पूरे तरीके से सही रहेगी। और अगर हमने ये फिर पावर हाउस ही अगर कमज़ोर हो गया, पावर हाउस ही वीक हो गया, डीपी ही कमज़ोर हो जाए या डीपी ही जल जाए तो फिर पावर कहाँ से सप्लाई होगा। इसलिए इस पावर हाउस को मजबूत रखने के लिए हमें इस मस्जिद को मजबूत बनाना है, उसके अंदर जो इमाम साहब हैं उनकी भी फ़िक्र हों, मस्जिद वाली जमात है उनकी भी फ़िक्र हों, जो बड़े बूढ़े हैं उनकी भी फ़िक्र हों, सारी फ़िक्रें अगर जमा होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करेगा और इस मस्जिद की फ़िक्रों को अल्लाह ताला मुंतकिल करेगा। और देखो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने सुबह में भी एक हदीस सुनाई थी, आप हज़रात को एक हदीस सुना दूँ कि ला तज़ालु क़दम अब्दिन ला तज़ालु क़दम अब्दिन हत्ता युसला अन अरबईन, इंसान के कदम उस वक्त तक हटेंगे नहीं जब तक कि चार चीज़ों के मुतालिक उससे पूछ न लिया जाए, चार चीज़ों के मुतालिक जब तक सवाल नहीं किया जाएगा और उसका जवाब माकूल नहीं मिलेगा वहाँ तक इंसान हट नहीं सकता। एक तो फरमाया अन उम्र ही फी माफना, उम्र के मुतालिक सवाल किया जाएगा कहाँ खर्च की थी, ये 60-70 साल की उम्र दी थी आप अलैहिस्सलाम ने, फरमाया आमार उम्मती माँ बहन सबीन और सिद्दीन और कमाकाल अलैहिस्सलाम,
मेरी उम्मत की उम्र है 60 और 70 साल, आप देखो 60-70 साल हो गए, बहुत सारे चल बसे, इक्का दुक्का कोई हैं जो 80 या 100 के करीब पहुंच रहे हैं, बाकी 60-70 साल हो गए औसतन, हमारा उम्र का औसत यह है 60-70 साल। तो फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल है, तो फरमाया कि हमने ये उम्र दी थी, क्या किया, अन उम्र ही फीमा अफना, किस बारे में खर्च किया, ये 60-70 साल की उम्र दी थी, क्या अभी भी आपको उसमें नसीहत करने का मौका नहीं मिला, क्या अभी भी अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाने का मौका नहीं मिला, क्या अभी भी आप एंड्रॉयड मोबाइल में घूम रहे, क्या अभी भी आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में दूसरे दलदल में अपने आप को फंसाए रखा, क्या अभी दुनिया के झमेलों से आपको निकलने का वक्त नहीं आया, क्या मौत का आहानी पंजा आकर आपको दबोच लेगा जब उस वक्त आप निकलोगे, सवाल किया जाएगा, इतनी उम्र दी थी और इतनी उम्र में हमने मौके दिए थे कि आप नसीहत हासिल करते, लेकिन आपने उस उम्र को गंवा दिया, अगर सही हमने उस मसरफ में लगाया होगा तो यकीनन उसके लिए बशारत होगी। और दूसरा जो सवाल किया जाएगा वो मेरे नौजवान भाइयों से मेरी गुजारिश है, वो नौजवानों के मुतालिक होगा, अन शबाब ही फीमा अबला, कि हमने नौजवानी दी थी, तुमने उस नौजवानी को कायम आजमाया, कायम लगाया, इसलिए कि नौजवानी के दिन जो हैं अगर आदमी काम करना चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, हिम्मत के साथ वो काम कर सकता है, इसलिए कि उसके अंदर सेहत है, तंदुरुस्ती है, तवानाई है, उसकी एक सोच पुख्ता है, उससे आगे बढ़ सकता है, और अगर वो गुमराह होना चाहे दूसरा रास्ता अख्तियार करे तो वो गुमराही के दलदल में भी दूर तक फंस सकता है, खुद भी फंसता है और दूसरों को भी फंसाता चला जाता है, इसलिए जवानी के मुतालिक, हालांकि उम्र में ये बात आ गई थी लेकिन जवानी के मुतालिक मुस्तकिल सवाल किया जाएगा कि ये जवानी को कहाँ खर्च किया। मेरे मोहतरम नौजवान साथियों से मेरी गुजारिश है, आप अपनी जवानी को अगर सही खर्च करोगे तो हदीस पाक में आता है शाब नशा फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि कल क़यामत के दिन जो है लोग पसीने से शराब होर होंगे, और पसीना भी कैसा होगा, कोई टखनों तक पसीने में शराब और होगा, कोई घुटनों तक पसीने में शराब और होगा, कोई कमर कमर तक पसीने में होगा, किसी गर्दन तक होगा, और किसी को युल्ज मुहुल अरब इल्जामन, पसीने की लगाम लगी हुई, पूरा के पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। ऐसे वक्त में उस नौजवान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा कर अपने मखसूस साये में रखेंगे, कौन, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा हो। मेरे भाइयों, हमारे नौजवान साथियों को, अभी तो हमारा वक्त बुढ़ापे में कर लेंगे, हज का वक्त आए अभी तो बहुत वक्त है, हमारे यहाँ तो फिर भी ये जज्बा नहीं है, लेकिन बहुत से सूबों में तो क्या है, सारे काम से जब फारिग हो गए, किसी काम के न रहे, न चलने के, न न न खिसकने के, अब चले हज को, आई समझ में, अरे भाई हज तो जवानी की है, अल्लाह ने दौलत दी है तो आप पर हज फर्ज हो गई, उस वक्त आपको हज अदा करनी चाहिए, इसलिए ये सवाल किया जाएगा आपको, समझे, ये काहे में खर्च किया। इसलिए मेरे नौजवान साथियों से मेरी गुजारिश है, ये नौजवानी का वक्त आप उम्मत के लिए खर्च कीजिए, आपको क़ियादत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आपको इख्तदा की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, आपको ये नहीं कहा गया था कि आप जो है किसी की इख्तदा करते रहो, कुरान की आयत है कुन तुम खैर उम्मत उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम तो इस बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए थे, कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए थे, क्यों, तामुरूना बिल मारूफ, लोगों को हुक्म देते भलाई का, व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अपने ईमान पर पहाड़ की तरह जमे हुए होते, समझे, तुम्हारा तो ये काम था, भलाई का हुक्म देते, बुराई से रोकते। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा किराम आए और आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया इय्याकुम वल जुलूस फ़ित तुरुकात, रास्ते में जो बैठने से बचो, रास्तों में मत बैठा करो। अब रास्तों की बात आई तो कहता चलूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने तो रास्ते में बैठने से बचने का कहा था, लेकिन हमने तो रास्तों को हड़प करने का मामला ले लिया। माफ़ करना, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़ेर हलाहिल को कभी कह न सका। मैं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाकर देखिए रास्ते साफ सुथरे हैं, हमारे मोहल्लों में जाकर देखिए कि हमने बैतुलखला आगे बनाए हैं, सीढ़ियाँ आगे बनाई हैं, जीने आगे बनाए हैं, और रास्तों को तंग कर दिया है।
क्या नमाज रोजा और हज ज़कात देना यही दीन है? हर हदीस पाक में आता है जिसने हमारे रास्तों को तंग कर दिया उसका ताल्लुक हमसे नहीं। क्या दीन सिर्फ चार दीवारी के अंदर सिमटने का नाम था? दीन माशरे में भी दीन है, मामलात में भी दीन है, अखलाक में भी दीन है, आपके घर में भी दीन है, बाहर में भी दीन है। इन्हें हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अगर चलेगा तो अल्लाह का चलेगा। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ फातुल कैसर माल कैसर फातुल इल्लाह माल इल्लाह, कैसर को कैसर कहा अदा कर दो और अल्लाह को अल्लाह कर। नमाज पढ़ ली, अपने इबादत खाने में जाकर कुछ इबादत के रसूम अदा कर लिए और बाहर तुम आज़ाद हो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें हर चीज मन गसब अकीदा शिबरिन, हदीस पाक के अल्फाज है, मन गसब अकीदा शिबरिन फकत तवक्कौ सवा अर्जीन यौमल क़ियामा। एक बालिश बराबर भी अगर किसी ने ज़मीन किसी की गसब की है तो सात ज़मीनों का तौक कल क़यामत की उसकी गर्दन में डाल दिया जाए। अरे बुजुर्गों, मामलात की लाइन बड़ी संगीन है। ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां धरी की धरी रह जाएं, हमारी नमाजें मुंह पर मार दी जाएं, हमारी ज़कातें चौपट हो जाएं, हमारा हज करना जो है धरा के धरा रह जाए हमारे इस नहीं गुनाहों की वजह से। इस वजह से मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे मुसलमानों के मोहल्ले जाकर देख लीजिए, देखो रास्ते क्या, वो तो गली गलियारियाँ बना दिया, परेशानियाँ कर खड़े कर दी, दूसरों के लिए रुकावटें बना दी। या ये दीन नहीं है? कहो तो तुम तुम्हारे घर का देखो। मेरे भाइयों, देखने का ठीक है, अल्लाह के वहाँ आपको जवाब देना है। आप ईमान वाले हो, ईमान वाले के एतबार से आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, ये हुकूक भी हमारे ऊपर। इसलिए अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुकात, रास्ते में बैठने से बचो। सहाबा किराम ने कहा, मा लना बुद्दु मिन मजालिसिन नतहद्दसु फीहा, हमारे लिए कुछ काम ऐसे हैं कि जिसमें हमारा बैठना ज़रूरी है, उसमें गुफ्तगू करना ज़रूरी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ैन अबैतुम, अगर तुम इनकार करते हो तो फातु तरीक़ हक़्क़ा, फिर रास्ते को रास्ते का हक़। अगर बैठना तुम्हारा ज़रूरी है तो फिर रास्ते को रास्ता, क्या फरमाया, रास्ते को रास्ते का हक़ दो। पूछा, वमा हक़ु तरीक़ या रसूल अल्लाह, रास्ते का क्या हक़ है? आपने फरमाया, ग़द्दुल बसर, सबसे पहला तो ये कहा निगाहों को नीचा रखो। आप समझ में आई बात, किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र मत डालो, ये इस्लाम ने सिखाया। हम वो नहीं सिखाते जो ये सिखाते हैं कि किसी की बेटी को उठा लो वल्लाह जिहाद के नाम पर गलत तावीरात के दें। वो गलत करेंगे जब भी, हम गलत नहीं करेंगे। वो अगर गलत तो हमारी तावीलात करेंगे तो करने दीजिए, हम कभी भी गलत किसी भी बहन बेटी, अगर गैर मुस्लिम की बहन बेटी है वो भी हम बहन बेटी समझेंगे, उस पर भी गलत निगाह उठाने की हमारे मजहब ने इजाज़त नहीं थी। ग़ज़्ज़ुल बसर, फरमाया निगाहों को नीचे रखो, वकफ़ुल अज़ा, और तकलीफ़ देने वाली चीज़ को दूर करो। अब ज़ाहिर है तकलीफ़ देने वाली चीज़ें तो आप रोज़ देख रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को दूर करो। वरद्दुस्सलाम, और फरमाया सलाम का जवाब दो। समझे, माफ़ करना, एक बात कहता चलूँ, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, ओके, ये क्या लगा रखा है, तहियतुकुम फीहा सलाम, और इस पर हम फख्र करते हैं। इंग्लिश कल्चर मगरबी तहजीब के दिलदादे हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ठुकराया और इस पर फख्र कर रहे हो। हमारा बहू के गुड बाय गुड नाइट कह रहा है, अरे सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, क्या तर्जुमा गुड बाय का, क्या तर्जुमा गुड नाइट का, क्या तर्जुमा है गुड आफ्टरनून का, तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, तुम्हारी शाम अच्छी हो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो उसका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, यहूद सलाम करते थे और ये चाहते थे कि आप अलैहिस्सलाम हमको जवाब में ये सारी दुआएं दें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, तुम पर सलामती हो। जाहिर है कि सलामती का लफ्ज़ कितना वसी, तुम्हारे दीन की सलामती, तुम्हारी जान की सलामती, तुम्हारे माल की सलामती, तुम्हारे मोहल्लों की सलामती, तुम्हारी बस्तियों की सलामती, तुम्हारे खानदान और कुंभों की सलामती। अस्सलाम वालेकुम, फिर कहा वरहमतुल्लाह, और अल्लाह की तुम पर रहमतें हों, वह बरकत हो, और अल्लाह ताला की बरकतें तुम पर साया फिगन हो। आज जो हैं हमारे, हम भी जो हैं उस रो में बहते गए, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, गुड बाई, इसको ख़त्म करो, अपने माशरे में इस्लामी हकदार, इस्लामी रिवायत को ढेर। तो फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब दो, यानी इसका मतलब है सलाम कितना कसर। एक हदीस पाक में आया, फरमाया अफशुस्सलाम, सलाम को कसरत से दिया, अफशुस्सलाम व अतिमुत्ताम, सलाम को कसरत से करो,
खाना लोगों को कसरत से खिलाओ। वसल्लु बिललैल वन्नासु नियाम, और रात को जब लोग सोए हुए हों उस वक्त अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बि सलाम, तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सलाम आम हमारा रिवाज हो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया रद्दुस सलाम, सलाम को जवाब दो। और फिर फरमाया दूसरा, अम्र बिल मारूफ, भलाई का हो बदो और बुराई से रोको। तुम्हारा काम यह होना चाहिए हिकमत के साथ, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ, बुराई अगर कोई है हिकमत के साथ उस बुराई को दूर करो। अम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, समझे। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसमें दीन का पूरा निचोड़ और खुलासा है, समझे। आप अलैहिस्सलाम ने एक रास्ते के बाबत में पूरे दीन का खुलासा उम्मत के सामने रखा है, समझे। लेकिन उम्मत है, माफ़ करना, बेरारवी में हम तेज़ी से जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेअतदालियाँ, सबसे ज़्यादा जो हैं नाइंसाफियाँ हमारी तरफ से हो रही, और फिर ये कहे अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। जब देखो इज्तिमाई तौर पर अगर कोई गुनाह कबीरा किया जाएगा तो पूरी उम्मत की पकड़ होगी। अभी भी ये बात आई कि तीन तलाक का मसला आया था, ये भी हमारे यहाँ आम है। तलाक, एक तलाक तो देना जानते ही नहीं हैं, धड़ाधड़ तीन तलाकें दे देते। और जब ये इज्तिमाई गलती उम्मत में हुई तो अल्लाह ताला ने कैसा तमाचा मारा। ये सारे के सारे काम जो हैं हमारे गुनाह कबीरा की शक्ल जब इज्तिमाई शक्ल अख्तियार करती है तो अल्लाह की तरफ से कोड़ा पड़ता है, और उससे फिर पूरी की पूरी उम्मत में लपेट में आती है। उसमें अच्छे भी लपेट में आते हैं, बुरे भी लपेट में आते हैं, सूखे के साथ लीला भी जलता है और सारे के साथ लोग। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मस्जिद का पैगाम है, मस्जिद अल्लाह ताला ने बना दी है, मस्जिद को ताल्लुक़ रखो, मस्जिद से जो पैगाम दिया जाए उस पर अमल करने की कोशिश करो और मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह अगर हम इस मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला मोहल्लों को आबाद करने, देखा है जिन मस्जिदों में, जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में मस्जिदों को लोगों ने आबाद किया, अल्लाह ताला ने उनके घरों को आबाद किया, उनके मोहल्लों को आबाद किया, उनकी बस्तियों को आबाद किया। और जिन्होंने भी मस्जिदों में आबाद करने में अपना वक्त लगाया, अपना पैसा लगाया, हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मैं आपको एक बात कहकर बात ख़त्म कर दूँ, दादा साहब रह चुके, मस्जिद नज़ीरी की नस्बत है, दादा साहब की तरफ से नस्बत की गई है, उस दादा साहब के वाक़े पर अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहब रहमतुल्लाह ने इस पूरे इलाके में कोशिश की, और कोशिश करने के बाद मुख्तसर अर्ज करूँगा कि हमारे अल्लाह ताला, हम तो नवाब साहब के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उन्होंने बहिश्त ज़ेवर पर पाबंदी लगा दी, और मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। बहिश्त ज़ेवर पर पाबंदी लगा दी और लगाते हुए ये कहा कि हमारे इलाके में, पालनपुर के इलाके में जहाँ जहाँ हुदूद है, बहिश्त ज़ेवर नहीं पढ़ा सकते आप, ना आपका कोई नौकर, ना आपका कोई मुलाजिम बहिश्त ज़ेवर नहीं पढ़ा सकता। और अगर पढ़ाते हुए पकड़ा गया, समझे, और अगर पढ़ाते हुए पकड़ा गया तो उसमें साफ लिखा है, गुजराती में ये लिखा हुआ, तुम्हारी जंगम मिलकत बेची दे, बस सो एक रुपया वसूल करवा मुआव से। ये कब की बात है? 1916 की बात है। कब की बात है? 1900, यानी आज से तकरीबन 104-105 साल हो रहे हैं। आप देख रहे हो, एक वक्त ऐसा था उनका तूती बोल रहा था, एक वक्त ऐसा था कि राजगढ़ी में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। और माफ़ करना, और कई लोगों के साथ, हमारी बहुत सारी कौमों के साथ हमारे पालनपुर के नवाब साहब बेगार लिया था, वेट करवाई थी, जुल्म किया था, और जुल्म के नतीजे में आपने देखा, माफ़ करना मुझे कहते हुए भी तकलीफ़ हो रही है, उनकी धज्जियाँ बिखर गई। वो मौलाना नज़ीर अहमद साहब जिसको पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, जिसको जिला बद्र करने की कोशिश की थी, जिसको बहिश्त ज़ेवर पर पाबंदी लगाने की थी, आज उसकी रूहानी वाला चाहे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह बहिश्त ज़ेवर ज़ेवर पढ़ा रही है, और उनकी जिस्मानी औलाद में हमारे जैसे गुनहगार भी आबाद हैं। ये पूरी गई, इस वजह से मैं आपसे, 100 साल का अरसा हुआ, 100 साल में आपने देखा कि अल्लाह ने काया पलट दी। आपसे यही बात कहने के लिए आया हूँ, अगर दीन पर कायम रहोगे, मैं यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, हजरत ने सब्र किया था और तकवा अख्तियार किया था, अल्लाह ताला ऐसे अच्छे काम करने वालों के अजर को कभी ज़ाय नहीं करते। और जिन जो उनके मुखालिफ थे, आपने देखा कई वाक़यात जो उनके मुखालिफ थे, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, आज उनकी कोई नस्ल भी यहाँ नहीं है। आज उनके लिए पालनपुर में एक ही जगह भी नहीं है जिस पालनपुर में उनका कर्रफर था। मेरे भाइयों, मैं कोई
कोई तनकीद के लिए नहीं कह रहा, इबरत के लिए कह रहा हूँ, आपके और हमारे सब के लिए ये इबरत का सामान। हदीस पाक में आता है, मन आजा ली वलियन फकर आजन तुहु बिलार, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की है उसका ऐलान जंग है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों के साथ अगर हो सके ताउन करना, हो सके उनकी मदद करना, दीन के काम में कभी भी रुकावट मत बनना। अगर रुकावट बनोगे तो ऐसा ना हो कि जो मंजर हमारे सामने है वो मंजर दोहरा दिया जाए। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, जो बात कही गई है अल्लाह मुझे भी और सब सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।